आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर के जहां देश भर में लोग सड़कों पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी का खुल करके विरोध कर रहे हैं, तो वहीं सबकी निगाहें टिकी हैं कि राहुल गांधी के संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किस तरीके का रुख रहने वाला है। तो वही दो चेहरों ने राहुल गांधी के मसले पर बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी की राहें आसान कर दिए हैं। जहां स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं अखिलेश यादव की, जहां अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों को आगे कर देना चाहिए और खुद पीछे हट जाना चाहिए, जिससे ये तस्वीर क्लियर है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जमीन पर किस तरीके से आसानी बनाने वाले हैं अखिलेश यादव, ये सामने आ जाता है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं संजय रावत की, जहां पूरा विपक्ष और देश के लोग राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। तो वहीं संजय रावत ने पार्टी की मीटिंग को लेकर के पूरी तरीके से बायकॉट करने का फैसला लिया है, और वो सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया है। इसके चलते संजय रावत और शिवसेना ने अपना असली रंग जो है इस पूरे मामले पर दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं जो लोग AIMIM को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, जो तोहमत लगाते हैं खासतौर पर AIMIM को लेकर के कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जहां संजय रावत और अखिलेश यादव का बयान आपके सामने है, पर राहुल गांधी के मसले को लेकर के खुद औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डालिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर अपना बयान जो है जारी किया है, तथा कुछ सवालों के साथ इस कार्रवाई को भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना है। इम्तियाज जलील का साफ तौर पर कहना है कि सवाल राहुल गांधी का नहीं, यहां सवाल सिद्धांत का है। एक अपील चल रही थी, ये अयोग्यता इतनी जल्दी क्यों की गई, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं वायनाड के उन लोगों के प्रति भी अपनी एकजुटता प्रकट करता हूं जिन्हें भाजपा की कपटपूर्णता के कारण उनके प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया गया। वे संसद में अपनी आवाज उठाने के हकदार हैं। सूरत के फैसले की गति और इसका कानूनी आधार दोनों ही सवालों के घेरे में है, जहां भाजपा भारत के रोजगार संकट की वास्तविकता से नहीं निपट सकती, पर केंद्र सरकार में 1 करोड़ स्वीकृत लेकिन खाली नौकरियां हैं। ये बात वरुण गांधी कह रहे हैं, चूंकि बीजेपी इससे निपट नहीं सकती इसलिए उसने एक नया संकट पैदा कर दिया है जो पूरी तरीके से फोकस बन जाएगा। विपक्ष हिंडनबर्ग और अडानी पर बातचीत चाहता था, लेकिन जब नैरेटिव राहुल गांधी पर होगा, बीजेपी कांग्रेस को प्रासंगिक बनाए रखना चाहती है, हम चाहते हैं कि बातचीत भारत बनाव बेरोजगारी के बारे में हो, भारत बनाम चीन के बारे में हो, वे चाहते हैं कि बातचीत कांग्रेस बनाम बीजेपी, भारत बनाम बेरोजगार, कांग्रेस बनाम बीजेपी के बारे में हो। एक तरफ आजम खान और उनके बेटे की प्रतिक्रियाओं और दूसरी तरफ राहुल गांधी के मामले में अंतर साफ तौर पर स्पष्ट है। नए भारत में मुस्लिम नेतृत्व का स्थान स्पष्ट है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने 2019 में यूपी के राज्यपाल से मुलाकात की थी और आजम खान की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। पी मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप के सांसद को दोषी ठहराया गया और अयोग्य घोषित किया गया। केरल उच्च न्यायालय
द्वारा उनकी दोष सिद्धि को निलंबित करने के बावजूद उन्हें अभी तक लोकसभा सचिवालय द्वारा 2 महीने से बहाल नहीं किया गया है। धर्मनिरपेक्ष दलों से भेदभाव स्पष्ट है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम सांसदों के बीच इतना अंतर क्यों है? ये सवाल खासतौर पर इम्तियाज जलील ने खड़े किए हैं। विपक्षी दलों की एकमत उत्साहजनक है। मेरी इच्छा है कि इसे ऐसे मामलों तक बढ़ाया जाए जो एक से अधिक व्यक्तियों से संबंधित हो। कांग्रेस जब क्षेत्रीय और अन्य पार्टियों पर हमला करे तो उसे ये बात याद रखनी चाहिए, अन्य नेताओं पर हो रहे हमलों पर यह मौन रही है। लेकिन आज लगभग हर विपक्षी दल ने स्पष्ट रूप से श्री राहुल गांधी का पक्ष लिया है। ये कांग्रेस को तय करना है कि वे अपने अहंकार को जारी रखना चाहती है या गैर कांग्रेसी दलों के साथ सहयोग का रास्ता चुनना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के सांसद और विधायक हैं जिन्होंने मुसलमानों के बारे में राहुल गांधी की तुलना में कहीं अधिक भयानक बातें कही हैं। उन्होंने हथियार रखने, आर्थिक बहिष्कार, गोली मारो आदि का ऐलान किया है। एक सांसद ने संसद में गॉडसे का बचाव किया है। इसके परिणाम स्वरूप कोई कार्रवाई आज तक उन बीजेपी सांसदों के ऊपर नहीं की गई, लेकिन ये त्वरित अयोग्यता का पात्र है। मेरे लिए लोकतंत्र का भविष्य मेरे पक्षपातपूर्ण हितों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मेरी पार्टी के अध्यक्ष और 4 बार के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर फरवरी 2022 में गोलियां चलाने वाले राइट विंग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए पूरे विपक्ष को भी एक स्वर में खड़ा होना चाहिए था। जहां राजनीतिक रूप से नहीं तो कम से कम मानवीय आधार पर कल उन्हें मारकर शारीरिक रूप से हटाने का प्रयास किया गया था, आज किसी और को अलोकतांत्रिक तरीके से हटाया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं उसके कत्ल पे मैं चुप था, आज मेरा नंबर आया है। मेरे कत्ल पर तुम खामोश हो, कल तुम्हारा नंबर आएगा। यह इम्तियाज जलील ने साफ शब्दों में कहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और आंखें खोल देने वाला बयान जो है इम्तियाज जलील ने राहुल गांधी पर सामने रख दिया है और कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। पर राहुल गांधी के बचाव पर कहते हुए ये साफ तौर पर कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है और लोकतंत्र पर हमला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो किसको साथ लेकर चलना चाहती है और किसको नहीं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।